आप 20 दिनों से मेरे चैनल पर जुड़े रहे, तो आपको सबसे स्पेशली थैंक यू माय डियर 130+ सब्सक्राइबर, स्पेशली थैंक यू फॉर यू दिल से। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मिल रहे करीब 20-19 दिन बाद, मतलब 10 नवंबर को एक लास्ट ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, और आज मतलब करीब 29 नवंबर है, और आज मतलब 19वां दिन है करीब। तो दोस्तों, आज आया हूँ मैं अपने खेत में, तो शेड्यूल वही चालू है, और अभी मैं कपास कल्ट करूँगा। तो करीब आपसे बात हो रही है 19 दिन बाद। तो हुआ ये था कि मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि बैटरी ख़राब हो गई थी मोबाइल की। तो करीब 3 साल हो गए मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, तो बैटरी ख़राब हो गई थी। इसी सिलसिले में 19 दिन लगे मुझे मोबाइल को ठीक करने में, तो कल ठीक करके लाया और आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज आया हूँ मैं अपने खेत में। तो ये रही हमारी फसल जो आज हमें कलेक्ट करनी है। तो ये पूरी फसल है, उसमें भी बाकी है, वहाँ पर भी बाकी है, और ये सारी भी फसल हमारी है। तो जैसे कि आप रोज़ देखते हो, तो फसल के दूसरे वाले रो में पूरा सामान रख दिया है। यहाँ पर ये बनाया है, कपड़ा बिछाया है कलेक्ट करने के लिए। और ये फसल ओरमा इस रो के दूसरे रो में जो बाकी रह गई थी, वहाँ पर काम कर रही है, मैं भी आ जाता हूँ। तो ये वो रो, और यहाँ पर माँ भी कपास कलेक्ट कर रही, ये मेरे पीछे। तो फिलहाल अब मुझे ये सारी कलेक्ट करनी होगी वहाँ तक, बिल्कुल छोटी ही बाकी है, मतलब ज़्यादातर नहीं हुई। तो अब ये कलेक्ट करेंगे हम पूरा ये वाला एरिया पीछे का, वहाँ एंड तक। फाइनली ये रो भी हो गई कंप्लीट। ये देखो मेरे पास इतना कपास कलेक्ट हुआ है, तो ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब आगे वाली बाकी है, तो ये आधी ही थी, कल मैं नहीं था। तो ये वाली जो रो है, मैं जिसमें खड़ा हूँ, वो पूरी कंप्लीट है एंड तक। तो ये रही माँ, और माँ ने खाली कर दिया यहाँ पे, अब मैं भी नीचे डाल दूँगा, ये मैं नीचे डाल रहा हूँ। दोस्तों करीब आधे एक घंटे बाद, मतलब मैंने तो रेस्ट ही किया और फिर से कपास कलेक्ट करने लगा। और फिर मैंने ये देखो यहाँ पर कपास कलेक्ट की है। तो अब मैं टी ब्रेक लूँगा, और माँ यहाँ पर ही कपास कलेक्ट करती रहेगी। तो फिलहाल तो टी ब्रेक लेना चाहता हूँ मैं। दोपहर के 3:30 बजे, सूरज यहाँ पर है ऊपर, और आज इतना ही कपास कलेक्ट हुआ, क्योंकि इसमें आलमोस्ट कपास तो सबसे ज़्यादा माँ का ही है। लेकिन मैंने आज कुछ ही मेहनत नहीं की, मेरा 5 किलो यहाँ पर होगा कपास। तो आज पूरी मेहनत माँ ने की है, मैं कपास नीचे कर रहा हूँ ये। तो वहाँ पर रही माँ, काम कर रही है, तो अब मैं जाके चाय बनाऊँगा। तो अभी आप पहुँचा हूँ मैं झोपड़ी में, तो मुझे चाय बनानी है। तो यहाँ पर कई माचिस रखी है या अंदर, तो माँ ने यहीं पर बताई थी झोपड़ी में कहीं तो लटकाई रखी है इसके अंदर, या कोई, ये देखो फाइनली मिल गई। तो ये रही दोस्तों माचिस। तो यहाँ पर सभी चीज़ें, ये वो क्या है, मतलब बर्तन चाय बनाने के लिए, शाह पानी, उसमें शक्कर है, माचिस भी मिल गई, अब चाय बनाऊँगा। तो यहाँ बन रही है हमारी चाय। तो चाय बनने के बाद मैं माँ को आवाज़ दूँगा। तो तब तक दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आज मेरा ब्लॉग करीब 20 दिन बाद यूट्यूब पर आ रहा है, ये ब्लॉग आ रहा है आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि थैंक यू फॉर 130+ सब्सक्राइबर। जी हाँ दोस्तों, मेरे करीब 130 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उन्हीं सब्सक्राइबर के लिए मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप हो 130+ सब्सक्राइबर, इसी वजह से मेरा चैनल है। अगर आप नहीं होते तो शायद चैनल मेरा नहीं होता। तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग हो इसीलिए टिके हो मेरे चैनल पर। अगर आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं, शायद अनसब्सक्राइब करके चला जाता। 20 दिन किसी वीडियो की वेटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा है। करीब आप 20 दिनों से मेरे चैनल पर जुड़े रहे, तो
आपको सबसे स्पेशली थैंक यू माय डियर 130 प्लस सब्सक्राइबर, स्पेशली थैंक यू फॉर यू दिल से। तो यही कहूँगा दोस्तों कि ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। तो अभी मेरी चाय बन रही है, तो इसी के लिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ फिर से बार बार कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि आप हो इसीलिए जुड़े रहे, नहीं तो आपकी जगह कोई और होता तो शायद छोड़ के चला जाता। तो स्पेशली थैंक यू फॉर 130 प्लस सब्सक्राइबर। तो अभी मैं कुछ देर बाद माँ को आवाज़ दूंगा और फिर चाय पियेंगे हम। तो मैंने माँ को भी आवाज़ दी और मेरी चाय भी बन गई है, तो माँ आगे बैठी है, तो ले रही दोस्तों चाय। तो इस पत्तियों से मैंने नीचे उतर आई इसे, तो ये रही माँ, अभी अभी आई है, मैंने बुलाया उसको। तो ये है हमारी कप, यहाँ पर चाय डाल दूंगा अब मैं। तो यहाँ पर चाय भी डाल दी है। तो दोस्तों अब अभी दोपहर हुई है तो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहे, तो अब हम चाय और रोटी खाएंगे। तो सभी खाते हैं, आप भी खाए होंगे, तो अब मैं इसकी चाय के साथ रोटी खाऊंगा। तो ये चाय और रोटी, माँ भी बैठी है और माँ भी वही खा रही है और हम भी यही खा रहे हैं। तो दोस्तों पहले इसे फिनिश करते और बाद में आपसे बात करूँगा। तो फाइनली हमारा चाय पीना भी कम्प्लीट हो गया और माँ आगे जा रही है, तो ये पूरा सामान लेकर अब मैं भी निकल रहा हूँ। तो अब मैं भी निकल पड़ा सामान लेकर, सामान दोस्तों कहने के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ ये कैन है मेरे हाथ में पानी की और रेडियो पर मैं भी निकल पड़ा। दोस्तों करीब बहुत दिनों बाद, मतलब 20 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे। तो नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब यहाँ से ग्रोथ हमें करनी होगी, तो जुड़ जाइए हमसे। तो फिलहाल दोस्तों 4 बज गए, तो मुझे अब कपास कलेक्ट करनी होगी, समय भी कुछ कम नहीं कम रहा है अब घर जाने के लिए, तो थोड़ा ही समय बचा है करीब 1-1.5 घंटे का, तो अभी ज़ोर से भिड़ना होगा। तो माँ आगे जाए हुए काम पर लगी है, मैं भी लगूँगा अब। तो ये रही माँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ इससे भी शुरुआत करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कैन रख दिए, तो ये माँ है पीछे, आपने अभी भी देखी, तो यहीं से शुरुआत करूँगा दोस्तों। इतनी जगह है, तो बाकी वहाँ पर रो है, लेकिन मैं यहाँ से ही लगूँगा अब, फाइनल टाइम बहुत कम बचा है, तो मुझे ज़्यादा काम करना हो। तो वो वाली सभी पेड़ पौधे हो गए कंप्लीट। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पिताजी आए, तो इतनी कपास कलेक्ट की है हमने, तो आगे खाली कर दूंगा और फिर आगे से वहाँ ले जाऊंगा, मतलब आगे से ले जाएंगे। हो रहे माँ और पिताजी आगे जा रहे कैन लेकर पानी की, जो मैंने रखी थी। तो अब हमें पिताजी भी हेल्प करेंगे, तो यहाँ खाली करके दोस्तों हमें ये वाला आगे तक ले जाना है जितना हो सके उतना। तो फिलहाल तो माँ खाली करिए, अब मैं भी करूँगा, पिताजी यहाँ पर पानी पी रहे। तो दोस्तों अब समय है ऑलमोस्ट काम को लगने का, तो मेरी यहाँ फसल है, पीछे माँ काम को लगी है, तो पिताजी कुछ खेत की दूसरी मतलब साइड पर काम था तो वहाँ गए। तो ये रही फसल, तो करीब 4:15 बजे, तो फिर अभी हमारे पास 1.25 घंटा है, करीब 45 मिनट जमकर काम करने के लिए मैं काम को शुरुआत करूँगा डायरेक्टली। तो ये रही माँ और मुझे भी यही से काम शुरुआत करना। तो फाइनली हमारा कलेक्ट करना हो गया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ दोस्तों, कल भी हम शुरुआत करेंगे यही से। तो फाइनली हमारा कलेक्ट करना मतलब आज का दिन काम हो गया, क्योंकि करीब 5:30 बजे और थोड़ी देर में दिन ढल जाएगा। तो माँ और पिताजी वहाँ पर गए, पिताजी भी लगे थे काम को, और अब हम घर को निकलेंगे, मतलब गट्ठा बांध रहे वो, तो मैंने भी इतना कलेक्ट किया है कपास, तो अब वहाँ पर जाकर हम खाली करेंगे। तो पिताजी और माँ कर रहे वहाँ पर खाली कपास को, तो यहाँ पर माँ और पिताजी गट्ठा बांध रहे कपास का। तो फाइनली कलेक्शन भी हो गया, अब इसे ले जाके हम बंडी में डाल देंगे। तो फाइनली पिताजी आगे जा रहे हैं और उन्होंने गट्ठा उठा लिया है, और हम बंडी में लेकर डाल देंगे उसको। तो पिताजी आगे, ये रहे पिताजी कपास लेकर जा रहे हैं। दोस्तों ये वाली रोई है जिस रो से हम कलेक्ट कर रहे थे, तो कल इसे कलेक्ट करना है एंड तक। तो हमारी बंडी भी एंड तक है और सूरज लगभग डूबने वाला है, और थोड़ी मतलब 1/2 घंटे में शाम हो जाएगी कंप्लीट। फाइनली गट्टा लेकर वो हमारी बंडी भी चली गई वहाँ से आके, तो अभी हमने डाल दिए गट्टे, तो वो सीधा घर जाएगी। अब पिताजी भी मेरे आगे। दोस्तों फाइनली आज का मतलब काम इतना ही था, तो करीब दिन अब ढल जाएगा थोड़ी देर में,
तो अब हम घर को निकलेंगे। माँ आगे ठहरी हुई है झोपड़ी में, और वहाँ पे मतलब सारी सामान हम जो हमने लाए थे घर को, घर से यहाँ तक, वो लेकर अब घर को निकलने वाले हैं हम। तो यहाँ पे माँ ये सभी तैयारियाँ करके, तो पिताजी भी आ रहे हैं वहाँ से। तो ऑलमोस्ट सूरज छुप के गया है उस पेड़ के पीछे, तो मतलब वो अपने घर जा रहा है, तो हम भी यहाँ निकलेंगे। तो फाइनल दोस्तों सभी हो गया है हमारा, मतलब सब कुछ। तो पीछे माँ और पिताजी हैं मेरे। तो फाइनली हम घर को निकल रहे हैं। तो वंस अगेन स्पेशली थैंक्स फॉर 130+ सब्सक्राइबर। तो आपकी वजह से यहाँ तक हम पहुँचे। तो नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।